आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के केबल होते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो पूरा डिटेल के अंदर नहीं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि कितने टाइप के केबल्स रहते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल के। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो तीन तरह के केबल होते हैं, एक तो लो, मीडियम और हाई टाइप का केबल होता है। तो सबसे पहले हम लो टेंशन केबल के बारे में देखेंगे कि लो टेंशन केबल कहाँ तक यूज़ होता है। तो हमारा जो लो टेंशन केबल है वो यूज़ होता है अप टू 6.6 kV। ओके, 6.6 kV तक को हम लो टेंशन केबल कहते हैं। और इसका ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि कंडक्टर जो है वो इंसुलेटेड है एमपी ग्रेनाइट पेपर से, और उसके ऊपर लीड शीट है, फिर उसके बाद में स्टील आर्मरिंग है। तो ये लो टेंशन केबल का कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। उसके बाद में आता है मीडियम एंड हाई टेंशन केबल। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है अप टू 66 kV। ओके, 66 kV तक का हम मीडियम केबल एंड हाई टेंशन केबल कहते हैं। लेकिन उसके अंदर भी और क्लासिफाइड है कि HT केबल, हाई टेंशन केबल, कहाँ तक यूज़ होता है, 11 kV तक, जिसको हम कहते हैं बेल्टेड टाइप। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, बेल्टेड टाइप। उसके बाद में सुपर टेंशन केबल, जिसको हम कहते हैं ST, ये यूज़ होता है अप टू 22 and 33 kV के बीच में यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रीन केबल। और आखिरी में जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, जो यूज़ होता है 33 से लेके 66 kV के बीच में, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। सो एक लो टेंशन हो केबल होगा, एक मीडियम एंड हाई टेंशन केबल होगा। मीडियम एंड हाई टेंशन केबल जहाँ 66 kV तक केबल यूज़ होता है, जिसमें क्लासिफाइड किया है कि HT केबल वो 11 kV, सुपर टेंशन केबल वो 20 and 33 kV के बीच में, और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो है वो 33 to 66 kV। ओके, जिसको हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेल्टेड टाइप इसमें यूज़ किया जाता है, इसमें स्क्रीन केबल यूज़ किया जाता है, और एक्स्ट्रा हाई टेंशन में प्रेशर केबल यूज़ किया जाता है। अब इनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इन तीनों का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसके अंदर और भी क्लासिफाइड किए हुए हैं। तो ये है बेल्टेड केबल, इसमें आप देख सकते हो कि कंडक्टर जो है, तीन कंडक्टर को अलग किया है, कंडक्टर को अलग करके उसको इंसुलेट किया है पेपर इंसुलेशन से। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोर है वो इंसुलेट अलग अलग किए हुए हैं, और उसको पेपर इंसुलेट से, फिर उसके बाद में उसके ऊपर जूट फिलिंग है, जो ये गैप है वो जूट फिलिंग से फिल किया हुआ है, उसके बाद में उसके ऊपर पेपर बेल्ट है। ओके, और आखिरी में जो है वो जूट एट द टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, स्क्रीन टाइप केबल। यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्टर जो है वो अलग अलग कंडक्टर एक साथ में रखे हुए हैं, और उसके ऊपर इंसुलेट किया हुआ है, उसके ऊपर कंडक्टिंग बेल्ट रखी हुई है, फिर उसके बाद में लीड शीट रखी हुई है, उसके बाद आर्मरिंग की हुई है, सर्विंग की हुई है। अच्छा, ये पूरा जो केबल का जो कंस्ट्रक्शन है, मेरे आप प्ले लिस्ट में केबल के अंदर आप चेक कर सकते हो कि वो वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे से मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूँगा कितना, यानी कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है हर केबल का। उसके बाद में है SL टाइप केबल। सो इसके अंदर आप देख सकते हो कि कंडक्टर अलग अलग प्लेस किए हुए हैं, उसके बाद पेपर इंसुलेशन किया हुआ है, फिर सेपरेट लीड शीट लगाई हुई है, फिर कॉटन टेप लगाया हुआ है, फिर आर्मरिंग की हुई है, आखिरी में सर्वरिंग की हुई है। ओके, और ये SL क्या है, SL का फुल फॉर्म है सेपरेट लीड स्क्रीन केबल। ओके, ये स्क्रीन केबल के टाइप है, उसका जो SL पहला पार्ट, SL जो सब टाइप है उसका नाम है सेपरेट लीड स्क्रीन केबल है। ओके, फिर उसके बाद में है सुपर टेंशन केबल, जो ऑयल फील्ड केबल भी कहा जाता है, जिसमें ऑयल रहता है और
यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडक्टर जो है वो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडक्टर कहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ओके ऑयल फील्ड केबल के अंदर इसमें कंसेंट्रिक स्टैंडर्ड कंडक्टर कहाँ पे फील किया हुआ है, अराउंड दी होलो सिलिंड्रिकल स्टील स्पाइरल कोड के अंदर इसको प्लेस किया हुआ है ओके। और ये जो होलो कोर है वो क्या है, एज अ ऑयल हम इसको यूज़ करेंगे, चैनल फॉर द ऑयल ओके। तो ये होगा आपका सुपर टेंशन केबल। ये भी ऑल्सो सुपर टेंशन केबल का और एक पार्ट है, ऑयल फील केबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्टर कैसे प्लेस किया हुआ है ओके। सबका कंस्ट्रक्शन सिर्फ सेम ही होगा, लेकिन जो कंडक्टर है वो चेंजेस हो गया और उसका जो इंसुलेशन होगा वो थोड़े से चेंजेस होंगे। और ये आखिरी में है गैस प्रेशर केबल ओके। अब गैस प्रेशर केबल के अंदर ये जो कंडक्टर है इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन एट अ हाई प्रेशर हम इसको गैस को इंसर्ट करेंगे ओके। और इसका प्रेशर कैसा होगा, वो 12 टू 15 एटमोसफियर ओके। तो ये है गैस प्रेशर केबल। तो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था सारे केबल का और इसका कैसा कंस्ट्रक्शन रहता है वो ओके।